करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को होने जा रहा है। उसके बाद ये कॉरिडोर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि जो लोग इस यात्रा में जाना चाहते हैं उन्हें क्या क्या करना होगा और किस किस पड़ाव में उन्हें निकलना होगा। यात्रियों को एक वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट है prakashpurv550.mha.gov.in। यात्रा की आज्ञा मिलने के बाद श्रद्धालु निश्चित तारीख को डेरा बाबा नानक पहुंचेंगे। ये वो जगह है जहां से यात्रा आरंभ होगी। इस मार्ग से जो कि 3.6 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है जहां पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद श्रद्धालु पाकिस्तान में प्रवेश कर पाएंगे। यात्रा के नियम मुताबिक श्रद्धालु सुबह पाकिस्तान जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, यानी कि वहां पे रात रहने की आज्ञा नहीं है, पर डेरा बाबा नानक में रात बिताई जा सकती है। इसके लिए यहां पे एक टेंट सिटी बनाई गई है। यहां पर रहना बिल्कुल मुफ्त होगा और इसकी जो बुकिंग है वो भी यहीं पर होगी। गुरु नानक देव मार्ग से होते हुए यात्री सबसे पहले इस गेट पे पहुंचेंगे जहां पर उनकी चेकिंग होगी। इस गेट के आगे उन्हीं यात्रियों को आने की आज्ञा होगी जिनके पास यात्रा का परमिट है, और बाकी यात्री जो है वापस यहां से चले जाएंगे। पूरी तरह चेकिंग होने के बाद यात्रियों को इस कॉरिडोर के अंदर आने दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर 3 गेट बनाए गए हैं। सबसे पहले गेट पर यात्रियों की चेकिंग होगी, यानी कि उनका परमिट चेक किया जाएगा। उसके बाद यात्री इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके अंदर आ सकेंगे। इसके बाद यात्री अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्किंग स्थान पर खड़ी करेंगे और इसके बाद वो इस बिल्डिंग के जिसके अंदर अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के और इमिग्रेशन के, वहाँ पर वो अपनी चेकिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ प्रवेश करेंगे। यात्री सबसे पहले एक बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर उनके चेकिंग होगी, वो बैठेंगे और उसके बाद अलग अलग काउंटरों से होते हुए उनका इमिग्रेशन चेक होगा। उसके बाद वो दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे, दूसरी बिल्डिंग में जाके फिर से सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दरअसल एक पुल बनाया गया है, जो पुल भारत की सरहद तक है। पाकिस्तान की तरफ से ये पुल पूरा नहीं किया गया, यानी कि अधूरा है, इसीलिए भारत की तरफ से एक अलग रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते के जरिए यात्री पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। इस यात्रा के लिए बिल्कुल भारत की तरफ से मुफ्त रखा गया, यानी कि यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी, पर पाकिस्तान की तरफ से इसे 20 अमरीकी डॉलर फीस वसूली जाएगी, जो कि भारतीय करेंसी के मुताबिक 1400 रुपये के आसपास है। पर फिलहाल ये है कि इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ पर जो है काम बड़े स्तर पर चल रहा है और सबको इंतज़ार अब 9 नवंबर को आए, जिस दिन ये यात्रा खोल दी जाएगी, यानी कि श्रद्धालु यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और वहीं से वो वापस आएंगे। पाकिस्तान में क्या होगा, वहाँ पे किस किस प्रोसीजर में निकलना पड़ेगा यात्री, इसके लिए हमारे पाकिस्तान स्थित सहयोगी आपको जानकारी देंगे। मेरी इस सिमत में इंडिया है और यहाँ से इस तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर पर जीरो लाइन है, वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करता है। जो यात्री इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होंगे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उनको पासपोर्ट पास रखना पड़ेगा। वो पासपोर्ट वहाँ पर कायम एक इमिग्रेशन टर्मिनल है जहाँ पे उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा। वो अपना पासपोर्ट लेकर उस इमिग्रेशन टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ पर उन्हें एक कार्ड इशू किया जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, लेकिन उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं की जाएगी, ना ही इन की और ना आउट की। इसका मतलब है कि वो बग़ैर किसी वीज़ा की ज़रूरत के वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे और वापस चले जाएंगे। जो टर्मिनल बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें के टक शॉप्स हैं, सोवनियर शॉप्स हैं, जो इमिग्रेशन का अमला है वो वहाँ पर मौजूद होगा जो उनकी मदद करेगा। उसके अलावा वहाँ पर बसेस भी फराहम की गई हैं यात्रियों के लिए। अगर वो बसेस में बैठकर वहाँ से 4 किलोमीटर का फासला तय कर यहाँ पे गुरुद्वारा में आना चाहें तो वो आ सकेंगे, और अगर वो पैदल चलकर भी आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। दरमियान में दरियाए रावी पड़ता है जिसके ऊपर एक तवील पुल जो है वो तामीर कर दिया गया है, तो यात्रियों को पैदल आना या बसेस के ज़रिए आना दोनों सूरतों में आसानी होगी। वो जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये जो गुरुद्वारा है इसका एक वसी अरीज़ कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरे अकब में, जैसे आप देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा दरबार साहिब है। यहाँ पर जो काम चल रहा है वो आखिरी मराहिल में है और कुछ आने वाले दिनों में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से कि जो इंडिया से आने वाले
یاتری ہیں وہ آئیں گے اور وہ یہاں سے داخل ہوں گے، یعنی اس گیٹ سے ان کو داخل کیا جائے گا اور وہ دربار صاحب کے اندر چلے جائیں گے اور پھر وہ یہاں سے واپس ادھر سے ہی چل نکل کے اور یہیں سے وہ انڈیا کی طرف بارڈر کی طرف ٹرمینل کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ دو قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، ایک وہ یاتری ہوں گے جو بغیر ویزا کے انڈیا کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوں گے اور دوسرے مقامی یاتری ہوں گے جو کہ پاکستان کی طرف سے یہاں پر آئیں گے۔ رائٹ سائڈ پہ میرے جو ہے وہ اسی طرح کے دو اور گیٹس ہیں، یہ دو گیٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو پاکستان کی طرف سے آئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک مقامی طور پر یاترا کے لیے آئے ہوں گے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو فارنرز ہوں گے جو باہر سے ویزا لے کر پاکستان میں آئیں گے اور وہ اس گیٹ سے وہاں سے داخل ہو کر وہ گردوارا میں جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں قسم کے جو یاتری ہیں جو بغیر ویزا کے آ رہے ہیں اور جو ویزا کے ساتھ آ رہے ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو پائیں اور ان کو آسانی ہو اور وہ اپنی مقرر کردہ جگہوں سے واپس چلے جائیں آسانی کے ساتھ۔ اب گردوارے کے اندر آپ کو لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جو گردوارا کمپلیکس ہے وہ کتنا کشادہ ہے، کیونکہ پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اب گردوارا دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارا بن چکا ہے۔ یہ گردوارے کی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہ وہ بلڈنگ ہے جو کہ دہائیوں سے یہاں پر موجود ہے، یہ وہی پرانی بلڈنگ ہے گردوارا دربار صاحب کی، اور اس کے ساتھ نشان صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہیں پہ موجود ہے، مگر اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آپ آج سے تقریباً ایک سال قبل یہاں پر آتے تو جہاں پر میں کھڑا ہوں اس وقت آپ کو یہاں پر لہلہاتے ہوئے کھیت اور اس کے بالکل قریب ہی ایک نالہ بئی تھا جو یہاں سے گزرتا تھا وہ نظر آتا، لیکن اب یہیں پر ایک کشادہ صحن ہے، اس کے ارد گرد برآمدے تعمیر کیے گئے ہیں اور ان میں کھانے پینے کی سہولیات بھی موجود ہیں، ان کے اندر لنگر خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں، جو یاتری یہاں پر آئیں گے وہ لنگر بھی کر سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحن اتنا بڑا ہے کہ یہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں اگر یاتری یہاں پر آ جائیں تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ اسی گردوارا کمپلیکس میں یاتریوں کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کیا جانا ہے، مگر وہ دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یاتری صبح سے لے کر جو شام تک یہاں پر آئیں گے وہ یہاں پر رہیں گے، وہ جائیں گے اندر اپنی عبادت کریں گے اور اس کے بعد وہ یہاں سے شام کو اسی طرح بسز میں بیٹھ کے اور پارکنگ سے باہر امیگریشن ٹرمینل تک جائیں گے اور وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا کی طرف چلے جائیں گے۔